का आप जानत बानी कि आखिर सिनेमा में भोजपुरी के शुरुआत कैसे भइल रहे, कैसे बनल रहे पहला भोजपुरी फिल्म, के बनौले रहे, कितना पैसा लागल रहे और कितना भइल रहे कमाई। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम पर खाली खेसारी और पवन सिंह के जाने वाला पीढ़ी शायद ही जान के आश्चर्यचकित रह जाए कि वास्तव में भोजपुरी सिनेमा के शुरुआत सिनेमा में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के नानी कैले रही। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपके ये दिलचस्प कहानी सुनावे जातनी कि आखिर संजय दत्त के नानी भोजपुरी सिनेमा के शुरुआत कैसे कैले रही। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करतनी। अगर पहला बार हमारे यूट्यूब पर आए बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। दरअसल संजय दत्त के नानी जद्दनबाई के भारतीय सिनेमा के पहला महिला संगीतकार मानल जाला। संजय दत्त के नानी यानी मशहूर अदाकारा नरगिस के माँ जद्दनबाई बनारस के रहे वाला रहली। यह वजह रहे कि भोजपुरी सिनेमा से उनकर खासा प्रेम रहे। अभी प्रेम के उस सिनेमा में भी उतारल चाहत रहले, लेकिन उनके केहू ऐसा ना मिलत रहे जे उनके साथे मिल के भोजपुरी सिनेमा बनावे। जद्दनबाई बनारस से रहली और यही वजह से ठुमरी गायन और नृत्य में पारंगत रहली। अब वो चाहत रहली कि फिल्म में भी भोजपुरी के एंट्री हो जाओ। एकरी खातिर वो समय के मशहूर फिल्मकार महबूब खान से मिलली और उनके मजबूर कैली कि वो अपनी फिल्म में एगो गाना के रूप में ही सही, लेकिन भोजपुरी सिनेमा के यानी भोजपुरी भाषा के जरूर सिनेमा में जगह दें। 1943 में महबूब खान अपन एगो फिल्म बनावत रहने जेकर नाम रहे तकदीर। जद्दनबाई के मजबूर कैला पे वो अपन फिल्म में भोजपुरी भाषा में एक ठुमरी रखने। फिल्म रिलीज भइल तो भोजपुरी में रखल गई ई ठुमरी इतना लोकप्रिय भइल कि हर केहू भौचक्का रह गई। ये ठुमरी के लोकप्रियता के बाद अब जद्दनबाई के लागे लागल कि अब भोजपुरी सिनेमा में के लेके जौन वो सपना देखले बाड़ी ओके साकार करे के समय आ गई बा। और एकरी बात से ही वो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना उत्तर भारतीय कलाकार और फिल्मकार सक्रिय रहने सबसे वो मिलल शुरू कर दिली और सबसे बस एक के बात कहें कि वो भोजपुरी सिनेमा बनाओ चाहत रही। हालांकि उनकर ये सपना खुद तो पूरा ना हो पावल, लेकिन बाद में देश के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से भोजपुरी सिनेमा के लेके एगो प्रयास फिर से शुरू भई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एगो फिल्म समारोह में गई रहने और वो झुकिए वो भोजपुरी सिनेमा के दिशा में काम करे खातिर फिल्मकारन के प्रोत्साहित कैने। अब यही कार्यक्रम में मौजूद रहने यूपी के गाजीपुर के रहे वाला राइटर नजीर हुसैन। वो राजेंद्र प्रसाद के भरोसा देने और कहने कि दिशा में काम करे के वो शुरू कर दिल बने, बस उनके शुभकामना चाहें। और एकरी बाद नजीर गंगा मैया तो के पेरी चढ़ेबो जैसन शानदार फिल्म लिखने और ओके लेके उस समय के सबसे बड़ फिल्मकार बिमल रॉय के पास गई ने। ये कहानी इतना खूबसूरत रहे कि बिमल रॉय के पहला नज़र में ही पसंद आ गई, लेकिन वो ये फिल्म के हिंदी में बनावल चाहत रहने। हुसैन साहब साफ कह देने कि फिल्म बनी तो भोजपुरी में बनी, लेकिन बिमल रॉय ये ऑफर ठुकरा देने कहने कि तब भाई हम पैसा ना लगाए। ओकरी बाद हुसैन साहब जुट गए ने प्रोड्यूसर के तलाश में और तब उनके मिलने कोयला व्यवसायी और सिनेमा हॉल के मालिक विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी ये फिल्म में पैसा लगावे खातिर तैयार हो गए। और फिर ए तरह से शुरुआत भइल भोजपुरी सिनेमा के पहला फिल्म के लेके जेकर कमान दिहल गई बनारस के कुंदन शाह के हाथ में। कुंदन शाह ए फिल्म के बहुत ही खूबसूरती से पर्दा पे उतरने। वो समय फिल्म के बजट रहे 1,50,000, लेकिन फिल्म तैयार होत होत 5,00,000 से अधिक खर्च हो गई। 1963 में जब ये फिल्म रिलीज भई तो वो दौर में ये फिल्म 80,00,000 रुपए से ज़्यादा के कारोबार कैलस। आज कई ठू बड़ भोजपुरी फिल्म भी इतना ज़्यादा कारोबार नहीं खे पाओ। और यह वजह बा कि जब ये फिल्म रिलीज भई तो कहल जाला कि बैलगाड़ियन से लोग ये फिल्म के देखे जाओ और लाइन लाग जाओ। लोग दो दो दिन तीन तीन दिन तक बैलगाड़ी पे बैठल रहे ये फिल्म के टिकट के इंतज़ार में। और ये फिल्म ऐसन माहौल बना दिलस कि भोजपुरी सिनेमा के लेके वो समय के दिग्गज तमाम प्रोड्यूसर भोजपुरी सिनेमा बनावे खातिर खुद आगे आ गए ने। और आज उस समय बाटे जब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक एक साल में 1,000 से ज़्यादा फिल्म बन रहा बा, लेकिन
उहो एगो दौर रहे जब कौनहु हिंदी सिनेमा के लोग भोजपुरी बनावे में हिचकत रहने, माने फिल्म बनावे खातिर तैयार तक ना होत रहने। लेकिन वो समय जद्दन बाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से जौन भोजपुरी सिनेमा के शुरुआत भइल, आज ओकर स्वर्णिम दौर हम सबके सामने बा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड में हम बताएं कि आखिर भोजपुरी सिनेमा के इतिहास और बाद में भोजपुरी पहला फिल्म के बाद दूसरा फिल्म कितना गैप के बाद बनल, और फिर वो फिल्म के बनावे खातिर कौन सा कौने तरह के संघर्ष करे पड़ल। एक अलावा हम भोजपुरी में आपके इहो जानकारी देव कि वो समय के भोजपुरी के पहला सुपरस्टार के रहे और कौने तरह से भोजपुरी के दिशा और दशा बदलल। तो भोजपुरी में ये तरह के जानकारी आपके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के कोनो प्लेटफॉर्म पे ये तरह से ना मिली, तो एक खातिर अगर ये तरह के जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्यार दें, फेसबुक पर आनी तो वीडियो के शेयर करें, लाइक करें, टिप्पणी में ज़रूर बताएं कि आपके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके वीडियो कैसन लागल और अब आप और कौन सा सब्जेक्ट पे वीडियो देखल पसंद करें। तो आज खातिर भोजपुरी वाला भैया के दिए अपन प्यार और इजाज़त, फिर वीडियो में नया वीडियो में हाजिर होब आप खातिर। नमस्कार।